नमस्कार, ग्लिप्स डॉट इन में आपका स्वागत है। पुलिस पेट्रोल पंप के पीछे फर्जी मुख्तियार नामा बनाकर मकान को बेचने के आरोप में पुलिस ने बुधवार को एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। दरअसल मामला 2014 का है। बताया जा रहा है कि आरोपी द्वारा अपनी मां बिल्किस बानो को मकान मालिक बताकर ठगी को अंजाम दिया गया। पुलिस ने बताया कि आरोपी सिराज अहमद ने संजय नगर RDA कॉलोनी स्थित लगभग 450 वर्ग फुट में मकान को खरीदने के लिए 14 लाख रुपए में सौदा तय किया था। आरोपी द्वारा आवेदिका को बताया गया कि उक्त मकान स्वामी लीला बाई, जो बुजुर्ग एवं बीमार रहती है और उसको पावर ऑफ अथॉरिटी दिलाने की बात कहते हुए 50,000 नगद ले लिए। फर्जी वोटर आईडी कार्ड पेश कर फर्जी मुख्तियारनामा बनाकर मकान को बेच दिया। स्वामी लीला बाई के स्थान पर अपनी मां को सामने खड़ा कर मकान की रजिस्ट्री करा ली। पुलिस ने बताया कि आरोपी सिराज अहमद पर ठगी के कई मामले दर्ज हैं, साथ ही पैसा वसूलने व मारपीट करने के भी आरोप हैं। अपने भाई के साथ जमीन के कारोबार करते हुए वो ब्याज में पैसा लेन देन का भी काम आरोपी करता था। पीड़िता ने जब जब पुलिस को शिकायत की तो आरोपी सिराज अहमद ने जान से मारने की धमकी दी थी। थाना सिविल लाइन में एक धोखाधड़ी का अपराध पंजीबद्ध किया गया है। इसमें आरोपी सिराज अहमद द्वारा अपनी मां के साथ मिलकर के 14,51,000 रुपए की फर्जी मुख्तियारनामा के आधार पर रजिस्ट्री करने का मामला पंजीबद्ध हुआ है। आरोपी को गिरफ्तार कर हिरासत में लिया गया है। ये 450 वर्ग फीट में मकान देने के नाम पर पे 14,51,000 रुपये सौदे के पूरे प्राप्त कर लिए थे और एक मकान मालिक के नाम पर अपनी मां को खड़ा कर दिया था रजिस्ट्री में और फर्जी वोटर आईडी का उपयोग करके फर्जी तरीके से ये रजिस्ट्री की कार्रवाई की गई थी। पूरे जांच प्रकरण में ये सामने आया कि फर्जी तरीके से फर्जी तरीके का वोटर आईडी उपयोग करके रजिस्ट्री कराई गई है, इसलिए अपराध पंजीबद्ध किया गया है। For more information, log on to www.clips.in.